क्या हुआ है? ठीक नहीं लग रहा। क्यों, क्या हुआ? नींद पूरी नहीं हो रही पूरी। अच्छा, तो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपके पास आती हूँ 10:30 बजे, तो डॉक्टर पास चलो चेंज करके देखते हैं अगर कुछ होता है तो। हैं, मेरे को इससे आराम नहीं लग रहा, नहीं तो अब तक तो नसों में आराम आ जाना चाहिए था। दूसरा पत्ता खा रहे जबकि आराम कुछ आ नहीं रहा, रात सो नहीं रहे। हैं हैं, चलो कोई नहीं, ठीक हो जाओगे। थोड़ा आप दवाई देखते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, जिससे पहले आपका इलाज चला है वो समझ आ रहा है थोड़ा, डॉक्टर उसी पर चलते हैं। और मैं भी अपने आज करवाती हूँ इलाज, ठीक है? मेरा भी सर बहुत दर्द होता है, मैं भी परेशान हूँ अपने आप से बहुत, दोनों मिलके करवाते हैं। आप ब्रेकफास्ट कर लो पहले, ठीक? तो गाइज, आज ब्रेकफास्ट में बनाया है मैंने मूली का परांठा और बटर के साथ। इनको दही वही नहीं ज़्यादा लेते, दही दूँ पर रखी हुई है फ्रिज में हैं, तो ये परांठा ही खाली खाते हैं सुबह। और वैसे भी तबीयत उतनी ठीक नहीं है कि हल्का फुल्का ही मांगते हैं, हल्का फुल्का में परांठा ही है। कम ऑयल से मैंने इनका वो कर दिया और थोड़ा सा बटर डाल दिया, क्योंकि बिल्कुल सूखा नहीं खाया जाता। मैं कहा कि हमने डॉक्टर के पास जाना है, तो मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने अपना पूरा सिर दर्द का बताया कि ऐसे से है। पूजा के पापा की भी दवाई चेंज हुई है, उनको भी इतना असर नहीं पड़ा था, तो हमने कहा चलो दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं, तो उनकी दवाई चेंज हुई है, तो वो कह रहे हैं अब इस दवाई से आपको जल्दी असर पड़ेगा। तो अब हम दवाई लेके पूजा के पापा की और मैं भी अपनी लेकर आई, मुझे तो खाली अभी दिया उन्होंने एक ही गोली जो रात को सोते समय मुझे लेनी है, वो गोली है ये वाली। तो ये पता नहीं माइग्रेन की दवाई है, मुझे नहीं पता, माइग्रेन की डॉक्टर ने लिख के दी होगी। तो बाकी ये है कि एक गोली मेरे को रात को सोते समय लेनी है, तो वो कह रहे हैं अगर जरूरत पड़े तो पेन किलर खानी है, पर मुझे तो अभी पेन किलर खानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने डॉक्टर को बोला है कि मेरे तो दर्द ज़्यादा ही होती है, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे और ये लंबा कोर्स है, लंबी दवाई खानी पड़ेगी मुझे। तो कोई बात नहीं, बट मैं कहती हूँ आराम आ जाए, गोली की कोई चिंता नहीं है, एक ही गोली है ना पता खानी है, बट आराम आ जाए। और पूजा के पापा की तो चेंज हुई है, तो वो भी अब रात को ही खाएंगे, क्योंकि सुबह वाली तो खा बैठे थे, बार बार तो खाएंगे, इनके दिन में 2 बार हो गई है अब एक एक गोली, बस एक ही गोली है दिन में 2 बार, और यूरिक एसिड के मेन वही बढ़ा हुआ है बस। तो देखते हैं बाकी कब तक आराम आता है, कैसे आराम आता है। आई हूँ गाइस, इतना थक गई और एक गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैं आपको बताऊँ क्या, वहाँ पर बैठे थे ऐसे घबराहट सी हो रही, बस आई हूँ, मेरे को थकावट होगी और अभी घर का काम भी पड़ा है वो भी करती हूँ, और फिर हमने उसको बुलाना है बिजली वाले को, पंखा उतार के ले जाएगा, कई काम है जो करने वाले हैं, चलो धीरे धीरे स्टार्ट तो कहीं से तो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस पंखा उतर गया, देखिए जैसे आपको बताया था, तो वो गया ठीक होने के लिए, तो बस ये देखो कल शाम को लग जाएगा। तो भैया आया था, उसकी जो वायरिंग है ना वो फूक गई है, तो उन्होंने कंडेंसर भी लगाया, हमने सोचा शायद हो सकता है उसकी वजह से भी हो गया हो, लेकिन नहीं हुआ, वो वायरिंग ही फूकी है उसकी, और आवाज़ भी बहुत तेज कर रहा था। तो भैया कहते हैं कि ठीक करके कल वो देंगे और कल लगा देंगे, तो बे मतलब बैठे बैठाए 600 रुपये का नुकसान कल ये हुआ है, और 600 रुपये भैया बोल के गए हैं। तो कोई बात नहीं, अब जो खराब हुआ है इसके बिना गति भी नहीं है बिल्कुल इस समय, तो पूजा का बगैर सबसे पहले इसको दे ठीक कराने। तो काकू दोपहर को लेकर आया, तो भैया दोपहर को लेकर जा चुके थे, कह रहे हैं एक दिन लगता है, तो अगर नॉर्मल होता तो जल्दी हो जाता, पर एक दिन वायरिंग पूरी सेट करने में लगती है, तो मैं कहा ठीक है कोई नहीं, तो जब तक हम बीच वाले कमरे में सो जाएंगे कोई ऐसी टेंशन नहीं है, कल भी वहीं सोए आज भी वहीं सो जाएंगे। तो बाकी अब जैसे जो गर्मी पड़ रही है ना गाइस, वो ऐसे पड़ रही है कि बस तुरंत एसी का मौसम आया अगले हफ्ते तक, तो उसकी सर्विस भी करानी है। पूजा का पापा कहते हैं उसकी, मैंने कहा उसकी भी करवा दो, जैसे जैसे गर्मी पड़ रही है मुझे नहीं लग रहा 10 दिन से ऊपर हम खींच पाएंगे। तो गाइस मैं चली मंगल बाजार, आज मंगलवार भी है, तो आपको पता है सब्जी वब्जी भी थोड़ी ले लेती हूँ, क्योंकि उस दिन मैं थोड़ी सब्जी कम लाई थी, तो मैंने कहा चलो सब्जी भी ले आती हूँ और दीदी से भी मिलाती हूँ। दीदी कह रही थी मिलियो मेरे से, तो मैं आप जा रही हूँ पूजा के पापा की शॉप में, वहीं दीदी मेरे को मिल जाएगी। तो दीदी कह रही जब तू पहुंचे मुझे फोन कर दिए, तो गाइस मैं बस जाती हूँ और दीदी को रस्ते में कॉल करती हूँ, मैं वहीं दीदी से मिल लेती हूँ। के पास काफी अच्छी वैरायटी है मंगल बाजार में, सारे डब्बे 1-2 देखो, हर चीज है भैया के पास। ब्रश लगाने के लिए, देखो के लिए, नाइफ के लिए, अगरबत्ती के लिए। हाँ दीदी, हाँ 150 और समझ आया कुछ? देखते को क्या आता है, मुझे तो और यही आया जो डब्बे देखे हैं बस, और तो नहीं समझ आया, बाकी है तो काफी सामान है। हाँ, देखो आगे तक, हाँ काफी वैरायटी है भैया के पास, तो यहाँ आओ ना सब कुछ समझ आ जाता है एक जगह पे। और ये देखो दीदी, ये देखना, हाँ ये क्या है, बर्तन साफ करना, हाँ देखो मोटा है, अच्छी है क्वालिटी, अच्छी है, बेस्ट है। मैं भी पीछे पता नहीं ले गई थी पिछली बार भैया से ना, हाँ सही निकलते हैं, इनका सामान सारा सही है गाइस।
दीदी आपने तो सब्जी ली नहीं है, मेरी कम ली है ना, गोभी ली है बस। दोबारा हो गया। हाँ तो आपके पास पड़ता है ना, दीदी के सामने गली है और बस ये बाजार, यही दुकान। हाँ बस ये सामने दीदी का, तो आपका पास है, पास है। मेरा थोड़ा दूर पड़ जाता है, मेरा आना मुश्किल है, इसलिए उठाया नहीं जाता, मेरा आना मुश्किल है, तो इसीलिए मैंने सारी इकट्ठी ले लिया। और आपका सही था सारा, मजा आया, मजा आया है ना। मैं ना किसी चीज को मिस नहीं करा, मैंने शिरडी को मिस किया, शिरडी को मिस किया। मैं कहा मैं जरूर जाऊंगी अगले साल, चलेंगे। हाँ मैं कहा चलो एक ना वो भी कराऊंगी भाई, एक शुक्राना होता है, पूजा की शादी सही होगी, सब कुछ सही हो गया, वहाँ कार्ड दे गई थी, मैंने कहा एक बार मैं जरूर जाऊंगी, एक बार चल पड़ेगी। अब ट्रेन का बनाएंगे, ठीक है, इकट्ठे। ट्रेन में भी समय अच्छा कटता है, पूजा का बाकी पता नहीं, अब उसका अपना है, तो जिया जी को लेके जाओ। हाँ ट्रेन पे जिया जी को भी लेके जाओ, इकट्ठे घूमते मजा आएगा सारे। अब तो गर्मी है, अभी नहीं, अब थोड़ा 5-6 महीने बाद, अक्टूबर नवंबर। हाँ अक्टूबर नवंबर, तब देखते हैं। चलो ठीक है, आप भी जाओ, मैं भी जाती हूँ, चलो बाय। से मिल के घर आई वापस, दीदी ने लिया प्रसाद, ये क्या कहते हैं, ये महाप्रसाद है जो देखिए आप लोग, ये है श्री सिद्धि विनायक मंदिर का। तो चलो बहुत अच्छी बात है, घर बैठे ही प्रसाद आ गया हमारे पास, ये सिद्धि विनायक जी का, और ये श्री उसका है शनि सिग्नापुर का, और ये है साईं बाबा का। इसमें भी लड्डू होता है गाइस, प्रसाद नहीं, लड्डू नहीं है, बूंदी होती है, पहले लड्डू होता था, बूंदी होती है। और गाइस दीदी लाई है एक ये धूप, तो सभी के लिए लाई है धूप, और एक ये लाएंगे गाइस, ये देखिए बहुत अच्छा। मैं ये तो दिवाली पे लगाऊंगी, तो दिवाली पे चीजें ऐसी काम चाहिए होती हैं, पर अभी अभी नहीं लगाऊंगी, दिवाली के करीब मैं इसको यूज करूंगी, और ये दरवाजे पे लगाऊंगी या कहीं भी, देखती हूँ कहाँ लगानी है। तो गाइस ये सब प्रसाद पूजा के पापा ने, ये वाला जब दीदी ने दिया था तो खाया था थोड़ा सा, मैंने भी प्रसाद खाया था, बस अब ये वाला देखती हूँ। ये भी लड्डू है गाइस, ये लड्डू है, ये भी हुआ पड़ा, देखिए लड्डू है, तो ये लिखा हुआ है लड्डू व बड़ी, अच्छा लड्डू ही है इसमें। हाँ तो हाथ से पता चल रहा है लड्डू है इसमें, और इसमें बूंदी है, इसमें नारियल की बर्फी है। तो चलो धीरे, और ये उदी, ये इसकी साईं बाबा की, ये दो उदी वहां से मिलती है, तो दीदी ने ये भी दी है। तो चलो घर बैठे ही सारा प्रसाद हमें सब जगह का गाइस मिल गया, और साईं द्वारका माई की ये मुगरत हो, शिरडी साई को चढ़ाए फूलों से बना मोगरा धूप। तो गाइस ये भी दीदी कह रही है बहुत अच्छी उसमें आ रही थी, तो मैंने सबके लिए ये ली। जो जो समझ आता है गाइस वही बंदा सब एक दूसरे के लिए ले लेता है। मैंने लिए दीदी के साथ, ये मटर मिल रहे थे 40 रुपए किलो, तो मैंने कहा इतने सस्ते कैसे हो सकते हैं, तो मैंने ले लिए 2 किलो, मैं चलो छिलके रख दूंगी। और ये भरता भरते वाले बैंगन लिए 1 किलो, ये ले लिए, मैं कहा चलो वैसे मैं आधा किलो बनाती हूँ, मैं कहा चलो ले लेती हूँ, दो बार भी बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो भून के रख दूंगी फ्रिज में, कोई खराब नहीं होते। ये लिए सिर्फ मैंने 250 ग्राम करेले, पूजा के पापा और मैं ही खाते हैं, काकू नहीं खाता। और गाइस ये लिया सीताफल 1 किलो, मुझे बड़ा टेस्टी लगता है ये भी, तो ये ले लिया सीताफल, और बहुत टेस्टी बनता है गाइस, एक बार आप बना के जरूर ट्राई करो, बहुत टेस्टी बनता है। और करेले तो सिंपल ही बनाऊंगी, भर भर के बनाती तो मैं किलो लेती, तो मैंने लिया यहाँ पर पाइया ही, मैंने कहा मेरे को काट के बनानी है पूजा का पक ले, तो नॉर्मली। और गाइस ये देखिए ये चिमटी भैया की आ गई साथ, मुझे भी पता नहीं चला वहां पर उन्होंने टांग रखा था इसी के साथ, तो मैंने ये लिया स्पैचुला, तो मुझे अच्छा लग रहा था, ये सिर्फ मिला है 100 रुपीज का, और काफी मजबूत है, चीज भी अच्छी है, तो मैंने भैया से ले लिया, दीदी ने भी लिया था सामान, तो मैंने भी एक स्पैचुला उठा लिया, मेरे को सही लग रहा था। क्योंकि पता क्या होता है गाइस, जो स्टील की कढ़ाइयाँ कुछ भी होती हैं आप अगर इनसे यूज करोगे तो निशान नहीं पड़ते, तो मैंने उस पीछे लिया। मैं काफी कुछ वुडन के यूज करती हूँ, करछियां वगैरह कम यूज करती हूँ, कि वो तेज धार वाली होती है, थोड़ी दिक्कत होती है। स्टील की कढ़ाई में अगर जैसे स्टील के कुकर हो गए तो आप करछियां वगैरह यूज करते हो, उससे क्या होता है अंदर निशान निशान से, क्योंकि वो तेज धार होती है तो निशान पड़ने शुरू होते हैं। जो कढ़ाई है, कढ़ाई भी मेरी वैसी है ब्लैक कलर की, मैं उस पर तेज कुछ नहीं मार सकती क्योंकि खराब कोटिंग ही खराब हो जाएगी, तो मैं उसके पीछे भी लेकर आई हूँ। मैंने कहा ये वाला स्पैचुला ले लेती हूँ, और भी मैं अच्छे अच्छे स्पैचुले मैंने देखे हुए हैं, मैं कहा 2-3 और लेकर आऊंगी। तो फिलहाल चाय निकालने के लिए हम वो यूज कर लेते हैं, लेकिन चलाने के लिए जो सब्जी मैं प्याज वगैरह भूनती हूँ तो मैं काफी कुछ यही यूज करती हूँ या लकड़ी के यूज करती हूँ, तो लकड़ी के भी बेस्ट है, अच्छी क्वालिटी के मैं सोच रही हूँ अब लेकर आऊंगी थोड़े, तो मॉल में देखती हूँ किसी दिन चक्कर पूजा आती है पूजा के साथ जाऊंगी तो मैं देखती हूँ, मैं वो भी 2-3 लेकर आती हूँ क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है लेने। तो गाइस खाना बनाया नहीं, खाने का क्या हुआ, पूजा के पापा ने ना वहां से मोट कचौड़ी खा ली, मोट कचौड़ी का तो उनका दिल नहीं करा रोटी खाने का, वो कहते हैं मेरे को रोटी नहीं खानी। काकू ने खा लिया भटूरे,
तो मैंने भी एक प्लेट मोट कचौड़ी ले ली, मैंने कुछ नहीं खाया, हमने आकर बस यही खाया और अब करते हैं बस सोने की तैयारी। पूजा के पापा तो सोने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी ब्लॉग का एंड करती हूँ और सोने की तैयारी करती हूँ। तो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और हाँ गाइज, पूजा के पापा की दवाई बदल चुकी है तो कोई बात नहीं, अब देखते हैं उनको असर कितना करता है। परेशान बहुत हो रहे हैं, लेकिन वो परेशान हो रहे हैं टांगों से, देखो कब तक असर करते, कब तक ठीक होता है उनकी प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम है तो उसमें टाइम लगता ही लगता है। तो गाइज बाय बाय।